अच्छा जी, आज मेरी बेटी ने शाम को मुझे मेहंदी लगाई थी, तो ये देखें कितनी खूबसूरत उसने मेहंदी लगाई है। अच्छा, मुझे शौक था, लेकिन ये है कि मेरी बेटी को मेरे से भी ज़्यादा शौक है। बहुत प्यारा कलर भी बहुत अच्छा आया। तो आज जो मेरा बेटा है रजा, वो अपने बाबा के साथ रोशनी के लिए जाएगा और उसे बहुत शौक है, मामा मैं आपको ये चीज़ें ला के दूंगा। अच्छा, जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं रूटीन से पूछेगा, मामा क्या चीज़ ख़त्म है, मैं बाबा के साथ लेके आऊँगा, तो वो भी मैं आपके साथ उसकी शेयर करूँगी रूटीन। अगर मैं खाने के काम से फारिग हो गई हूँ तो मुझे रूटीन से आदत है कि कुकिंग के बाद ना चूल्हा लाजमी साफ करती हूँ। फिर ये होता है कि मुस्तकिल रूटीन से सफाई करने से ना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है चीज़ें। अच्छा जी, और अब ये यहाँ पर रजा जो है वो अपने बाबा के साथ ग्रॉसरी के लिए गया है, और ये देखिए जो जो चीज़ें मैंने इसको समझाई थी कि रजा ये चीज़ें फिनिश हुई हुई हैं, तो सब कुछ उठा रहा है। मैंने कहा था कि वहाँ जाके वीडियो भी बनाना और ताकि मैं देखूँगी कि आपने कैसे शॉपिंग वगैरह की है बाबा के साथ। तो ये देखिए केचप, जैम, जो इसकी फेवरेट चीज़ें हैं वो ये उठा रहा है, अचार। और माशाल्लाह इसको याद था कि ये चीज़ लेनी है। और जो राशन की मैंने इनको लिस्ट बना के देती हूँ रूटीन से जब मंथली ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, तो उसके बगैर ही इसको याद है ये चीज़ें कि ये चीज़ें लेके जानी हैं। अच्छा, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि बेशक बारिश की वजह से मौसम अच्छा है, लेकिन मैं ठंडा पानी मुस्तकिल यूज़ करने से ना मेरा गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है। और ये इसको नूडल बहुत पसंद है, चटपटा फ्लेवर वाले, तो वो भी डाल रहा है। और इसके बाबा ने मुझे घर आके बताया था कि एक एक चीज़ इसको रिमाइंड थी अपने जहन में कि मैंने ये सब कुछ लेके जाना है। और माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बच्चों को ना हर चीज़ की बचपन से ही छोटे छोटे कामों की आदत होनी चाहिए, फिर वो यूज्ड हो जाते हैं, बड़े होके हर चीज़ की उन्हें समझ आ जाती है कि किस तरह मैनेज करना है हर चीज़ को। और अब ये अपने बाबा को पूछ रहा है कि बस और तो नहीं कोई चीज़ लेनी, बस ये अपनी चॉकलेट्स भी नहीं भूला। और माशाल्लाह बड़ों की तरह ना हर चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास इसको भी से होता है कि मामा को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो मैंने लेके आनी है। बाबा को शुरू हो जाता है, बाबा मैं आपके साथ जाऊंगा, तो बस इस बार उन्होंने इसका शौक पूरा किया है कि रजा आप खुद करो ग्रॉसरी। लिस्ट बना के दे देती हूँ ना, तो फिर वो इजीली सब चीजें आ जाती हैं। और ये माशाल्लाह हमारे पूरे मंथ का जो है वो सामान होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी अम्मी के घर का जो छोटा सा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है उसकी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इन्होंने कितने ज़बरदस्त जो है वो प्लांट्स लगाए हुए हैं, और मेरा गला इतना ख़राब है कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूं, फिर एडिट करने में भी टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स लगाने का, घर में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं जब भी इनके घर जाती हूँ ना, तो मुझे ये वाला इनका एरिया बहुत ज़बरदस्त लगता है, और माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश एहसास हो रहा होता है। इन्होंने एक घर में पुदीना लगाया हुआ है, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे उनके टेरेस में। ये देखिए रजा और मैं सब अपने
मौज मस्ती में। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।